तरह की अफवाह फैलाना कि अब तो जी डेमोक्रेसी खतरे में है। हर प्रदर्शन पे आप देखिए हर बार मुद्दा यही होता है, लोकतंत्र खतरे में है, फांसीवाद आ गया है। और लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है, 70 सालों से अभी भी लोकतंत्र है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। और ठीक है चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हो रहे हैं अगर मैं देखूं, लास्ट अमेंडमेंट 2020 में हुआ था, ये बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। पॉजिटिव ही हो रहे हैं ना, इसके पहले जो डेमोक्रेसी थी ना वो एक अंग्रेज दर्जी से सिलवाया हुआ बहुत शानदार सूट था सर, और एक भारतीय के ऊपर डाल दिया गया जिसकी की बॉडी की फिटिंग यानी उसकी फिटिंग उस सूट की मैच नहीं करती थी। अब उसको रीस्टिच किया जा रहा है जो मेरा मानना है, और अगर पब्लिक और अपोजिशन और उसके साथ साथ गवर्नमेंट रूलिंग बॉडी अगर ये ऑनेस्ट रही तो वाकई में जो एक फिटिंग हमें चाहिए डेमोक्रेसी की, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो धीरे धीरे करके अब डेवलप हो रही है। इसको मैं एक बहुत मेजर चेंज मानूंगा फ्यूचर के लिए, कि अगर ये चेंज ऐसे ऐसे ही होता रहा, पार्टियां कोई भी आए, तो रियल में जो यहाँ का रूटेड या रूट लेवल पे जो यहाँ का कल्चर संस्कार रहा है हजारों लाखों साल का, उसी हिसाब से होगा। और हम एक बार फिर उस मुकाम पे पहुंचेंगे जब भारत सोने की चिड़िया बोली जाती थी। देखिए भारत में लगातार सरकार कोई भी रही हो, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं ना कहीं तोड़फोड़ चलता रहता है। अच्छा, जो तोड़फोड़ करने वाले हैं वो भी दुहाई संविधान की देते हैं, वो बोलते हैं संविधान में लिखा हुआ है कि हम आजाद हैं बोलने के लिए, तो इसका मतलब है हम किसी को भी गाली दे, भारत माता को भी दे या किसी को भी दे, किसी को भी अपशब्द कहें, तोड़फोड़ करना। ये तो देखिए अभी कुछ जगह पे जो आप बोल रहे हैं फ्यूचर चेंजेस क्या हो रहे हैं, मैं एक पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग जरूर मैं देख रहा हूं। डेमोक्रेसी में आप अगर नाराज हैं, आपको तकलीफ है, तो प्रदर्शन करने का अधिकार है। एक सिल्वर लाइनिंग की बात मैं करता हूं यूपी में, यूपी में प्रदर्शन के टाइम पे जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, दूसरे के दुकानों को तोड़ा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, वहां पे शासन प्रशासन ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कौन सी पार्टी क्या है, जो भी उस वक्त जो है यहाँ पे शासक रहा हो, मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर रहा हो, उन्होंने डिक्लेयर किया कि प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन अगर हिंसात्मक करेंगे और तोड़फोड़ करेंगे तो आप आपके घर से भरपाई होगी। अब देखिए ये वही चीज आ गई, डेमोक्रेसी अपने आप में सैद्धांतिक रूप में बहुत अच्छा व्हीकल है, उसका ड्राइवर कितना एक्सपर्ट है इस चीज की जरूरत है। अगर ये कॉम्बिनेशन हमको मिल जाए कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल, ऑफकोर्स लीनियंसी होनी चाहिए, बिना लीनियंसी के, बिना छूट के आप अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ड्राइवर ऑनेस्ट हो यानी लीडरशिप ऑनेस्ट हो, किसी भी टाइम पे देखा जाए अपने पर्सनल हित के लिए वो काम ना करे, लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए वो काम करे, तब तो डेमोक्रेसी से बेटर कोई सिस्टम ही नहीं है। और अगर पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए, उनका बिहेवियर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, तो इससे बेहतरीन कोई सिस्टम नहीं है।